Hi guys, once again, welcome to our channel. And so, finally, according to the analysis, class 2020 is easy now. So, if you ask how, then let's start today's discussion. तो फाइनली मैंने आपसे कहा कि ट्वेंटी ट्वेंटी का पेपर इजी होने वाला है ये ही ऐसा कहता है तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कैसे आसान हो सकता है या कैसे इजी होने वाला है तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आज का ये एनालिसिस आपको प्रॉपरली पता चल सके तो इसके बारे में आपको जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि दोनों ईयर के पेपर को यानी कि आपको पता है कि इस ईयर का पेपर कंप्रीहसिव है और पहले कंप्रीसिव नहीं होता था वन लाइनर होते थे तो आपको दोनों पेपर को कंपेयर करना पड़ेगा तो चलिए दोनों को थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं तो तो दोनों का कंपेयर जब हम लोग करते हैं तो सबसे पहले जो तीन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी करंट अफेयर्स और लीगल एप्टीट्यूड ये तीन सब्जेक्ट यानी कि तीन पेपर ऐसे हुआ करते थे जो आपके क्लैट के पेपर का मेन सब्जेक्ट हुआ करता था जो आपको क्लैट क्रैक करने में हेल्प करता था और इसके साथ ही साथ रैंकिंग बनाने में मदद करती थी तो जब आप ओल्ड पैटर्न को देखेंगे तो ओल्ड पैटर्न में क्या होता था कि आपको जैसे आप एग्जाम्पल के लिए मैं तीनों पेपर को पहले एनालाइज करता हूँ फिर मैं बाकी दो पेपर पर पे आता हूँ आपके इंग्लिश के पेपर पे और रीजनिंग के पेपर पे तो पहले जो तीन पेपर को मैं एनालाइज कर रहा हूं और कंपेयर कर रहा हूं उसमें सबसे पहला है करंट अफेयर्स अब सबसे पहले आप इसे समझिए कि करंट अफेयर्स ईजी कैसे होने वाला है आपको यह लग रहा होगा कि 300 से 400, 500 वर्ड के जो पैसेज होंगे वो तो पूरा का पूरा मुझे पता होना चाहिए ऐसा नहीं है आप एक बात समझो पहले जो ओल्ड पैटर्न पे जो करंट अफेयर्स हुआ करता था उसमें क्या होता था कि सिंगल क्वेश्चन होते थे आपके पूरे ईयर का जो करंट अफेयर्स होता था उसको आपको एक तरह से मेमोराइज करके रखना पड़ता था आपको पता नहीं होता था कि कौन से करंट अफेयर्स किस टॉपिक से करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे और किस टॉपिक से नहीं पूछे जाएंगे तो इस चक्कर में आप क्या करते थे कि पूरे साल के करंट अफेयर्स को आप याद करते थे आप रखते थे लेकिन अब जो कॉम्प्रिहेंसिव होने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ है कि अब एक बात समझिए कॉम्प्रिहेंसिव होने के बाद जो भी टॉपिक करंट अफेयर्स में यूज किए जाएंगे वो 400 से 500 वर्ड का एक पैसेज यूज किया जाएगा और उससे रिलेटेड तीन से चार या पांच क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मतलब साफ है कि अब इस ईयर जो करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आएंगे सिर्फ उसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन यानी कि कम से कम तीन चार क्वेश्चन किया जा सकता है यानी कि जो वाइड टॉपिक होंगे यानी कि जो छोटे छोटे टॉपिक हुआ करते थे उसको आप इग्नोर कर सकते हैं आप जो मेजर टॉपिक है उसको आप पकड़िए आपका ज्यादा आसान हो जाएगा और दूसरी बात कि जब आपका पहले तो ये क्लियर हो गया कि जो आप पूरा का पूरा जो वाइड तरीके से जो आप याद करते थे पढ़ते थे पूरे ईयर के करंट अफेयर्स को अब उसके जगह पर आपको टॉपिक कवर करना है जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको अब दूसरी बात ये हुई कि तो एक तो थोड़ा सा आपको यहां पर ईजी हो गया आपके लिए पहली बात दूसरी बात कि जो अब पूरा का पूरा टॉपिक कवर करेंगे उसमें से क्या होगा कि 400 से 500 वर्ड का एक पैसेज होगा उस 400-500 वर्ड के पैसेज से आपके पास क्वेश्चन जो अडाइज किए जाएंगे वो चार से पांच क्वेश्चन मैक्सिमम एडाइज किए जाएंगे अब आप समझिए इन चीजों को 400-500 वर्ड के पैसेज में से अगर चार या पाँच क्वेश्चन अराइज किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि 400-500 वर्ड का जो पैसेज है उसमें सारे के सारे इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल है पूरा इंफॉर्मेशन वहां अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ जितने क्वेश्चन हैं बस उस चार पाँच छः इंफॉर्मेशन को छोड़कर तो इसका मतलब क्या हुआ मतलब ये कि पहले का जो पेपर हुआ करता था उसमें आपको सब कुछ याद रखना पड़ता था लेकिन अब का जो पेपर है उसमें आपको चार से पांच इंफॉर्मेशन ही आपको याद रखना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा अच्छे से तो इसको मैं थोड़ा सा और इजी बनाता हूं कि ये इजी और कैसे हुआ है दूसरी बात यह कि जब आप टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करेंगे और चार पांच क्वेश्चन ही उस टॉपिक से आने हैं तो उसमें आपको करना क्या है आसान कैसे आपके लिए होगा उसमें आपको क्या करना है कि आप उस टॉपिक को रटिए नहीं याद करने के पीछे मत भागिए आप अगर एक बार दो बार चार बार अगर उस टॉपिक को पढ़ते हैं या उस पर आप नजर बना कर रखते हैं कंटिन्यूसली तो आपको रटने की तो कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक तो पूरा का पूरा टॉपिक आपके पास अवेलेबल है जब आप उसे पढ़ेंगे तो जो चीजें उसमें मिसिंग होंगी चार पांच पॉइंट वो आप ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएंगी कि कौन सी चीजें मिसिंग है यानी कि इसको आप ऐसे समझिए कि जब आपके पास कोई स्टोरी होता है तो स्टोरी जब आप पढ़ते हैं तो जो मिसिंग चीजें होती है ऑटोमेटिक आपको याद आ जाती है

कि जब आप अभी लीगल एप्टीट्यूड जो नया सैंपल पेपर हुआ जब आप उसे देखेंगे या न्यू पैटर्न को देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल पहले जो होता था वो प्रिंसिपल वन लाइन का होता था बाकी सारा लॉ आपको पता होना चाहिए होता था लेकिन अभी का जो रिसेंट जो करंट सैंपल पेपर है उसमें जब आप देखेंगे क्वेश्चन को तो उसमें आपका पूरा पूरा पैसेज अवेलेबल है चार पांच सौ वर्ड का उस पैसेज में जो पहला पैराग्राफ है उसमें एक केस अवेलेबल है जिसमें प्रोपर डिटेल में बताया हुआ होता है आपको प्रॉपर डिटेल में बताया बताए होते प्रॉपर स्टोरी कि ये केस है इस पे कोर्ट का ये जजमेंट है और ये लॉ कहता है इस लॉ के बेसिस पे ये जजमेंट है तो कितना अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके दिया गया है इसके बाद उसमें कुछ कंडीशन क्रिएट किए होते हैं जिससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो एनालाइज करें और कंपेयर करें पहले सिर्फ एक सिंपल प्रिंसिपल होता था जिसके बेसिस पे आपको प्रॉपर आंसर करना होता था लेकिन अब वो उस तरीके से सिंपल प्रिंसिपल नहीं है अब क्या है अच्छे तरीके से आपका सिचुएशन दिया हुआ है प्रिंसिपल के जैसा और आपको उससे फाइंड आउट करना होता है कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चन उसका आंसर क्या होना चाहिए तो बिल्कुल आसान हो गया है इसमें कोई डाउट नहीं आप मैक्सिमम मार्क्स मार्क्सराइज कर सकते हैं और तीसरा जो मैंने कहा आपका मैथमेटिक्स यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैथ यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो पेपर है वो पेपर में भी थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं यानी कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाले हैं आपके वो डी से बेस्ड होगा डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन अब डेटा इंटरप्रिटेशन का बेनिफिट क्या है आप एक बार लीजिए डेटा इंटरप्रिटेशन भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं ईजी भी होते हैं और मॉडरेट भी होते हैं तो आपके पास जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो बहुत ज्यादा टफ और हार्ड क्वेश्चन नहीं होंगे डी के क्वेश्चन जो होंगे डी के वो ईजी क्वेश्चन होंगे पहली बार डी पूछा जा रहा है ऑब्वियसली इजी पूछा जाएगा कन्फर्म हंड्रेड आपको अगर बिलीव ना हो तो आप इसी वीडियो को दोबारा आप मैच करेंगे क्लैट एग्जामिनेशन के बाद और आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम हुए मैं गारंटी देता हूं कि ईजी पूछा जाएगा डी आई हाँ जो थर्ड सैंपल पेपर देखा है हमने उसमें आपको दिखा होगा कि थोड़ा दूसरे जो पुराने पैटर्न के क्वेश्चन थे वो भी आपको दिखा होगा तो वो क्वेश्चन कम दिखेंगे मैक्सिमम डी आई बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो डी आई का बेनिफिट क्या है आपको पहले जब करना होता था तो आप सभी टॉपिक को प्रोपरली डीपली आप पढ़ते थे जो नॉन मैथ सेक्टर के बच्चे होते थे तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है वो मैथ को छोड़ देते थे और ये जो मैथ होता है ये आपका रैंकिंग डिसाइड करता है ठीक है तो इसमें क्या है कि पहले जो होता था उसमें मैथमेटिक्स में सभी टॉपिक को आपको डीपली पढ़ना पड़ता था अगर एवरेज का क्वेश्चन होता था तो सिंपल एवरेज नहीं होते थे बहुत ही डीपली क्वेश्चन होते थे आपके रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होता था वो भी डीपली होता था मिक्सचर एलिगेशन का डीपली होता था प्रॉफिट लॉस का डीपली क्वेश्चन होते थे तो ये ऐसा होता था लेकिन अभी जो डीआई हुआ है उसमें बेनिफिट क्या है डी में आपको सभी टॉपिक कवर करने होंगे प्रॉफिट लॉस एल सी एम बेसिक कैलकुलेशन इसके अलावा रेशियो प्रोपोर्शन एवरेज ये सारे टॉपिक कवर करने पड़ेंगे लेकिन बेनिफिट बेनिफिट ये है कि ये सारे टॉपिक से जो क्वेश्चन आएंगे वो सिंपल क्वेश्चन आएगा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे क्योंकि डी का डेटा है उससे रिलेटेड एवरेज निकालना रहेगा रेशियो निकालना रहेगा ये सारी चीज़ें हैं तो बहुत मुश्किल नहीं है बहुत आसान है आपके लिए तो मैंने आपको एनालाइज करके बताया अब आप इन चीजों को समझिए अगर पांच सब्जेक्ट में से अगर ये तीन पेपर जो तीन मेजर पेपर हैं इस तीन मेजर पेपर में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं अगर ये तीन मेजर पेपर अगर आपका आसान हो जाता है तो फिर बचता क्या है क्लैट में फिर आपके लिए कुछ नया नहीं, नहीं बचता है फिर इंग्लिश रियली इजी हो गया क्योंकि आपके पास सिर्फ पैसेज ही है इंग्लिश में बहुत कम ग्रामेटिकल पोर्सन बिल्कुल कम है तो बिल्कुल पैसेज हाँ आपको करना क्या है अब ये रही बात कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था और मैंने टू मंथ का जो प्रिपरेशन स्ट्रैटजी बताई है मैंने उसके बारे में भी मैंने उसमें भी बहुत कुछ बताया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है आप एक बार उसे देख लेंगे तो मैंने जब यहाँ पे मैंने बातें की आज साड़ी की साड़ी तो इसमें एक चीज़ जो कॉमन चीज़ें थी वो ये कि कॉम्प्रीहेंसिव यानी कि लैंग्वेज आपका अच्छा होना चाहिए अगर आपका लैंग्वेज अच्छा होता है तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लैट हंड्रेड परसेंट ईजी होने वाला है गारंटीड ये मैं बिल्कुल कंफर्म कह रहा हूँ तो आप लोग घबराइए नहीं है बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज हमारे पास आते थे कि हार्ड होगा या इजी होगा हमारे खुद के इंस्टीट्यूशन के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हार्ड होने वाला था बट मैं दिसंबर से ही उनको मैं एश्योर कर दिया था कि क्या होने वाला है सो so, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है अब बिल्कुल निश्चिंत रहें आराम बिल्कुल ईजिली क्लैट क्रैक होने वाला इस ईयर सिर्फ आप एक चीज़ जो मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूं वो ये कि दो घंटे में 25 फाइव पैसेज बनाने की कैपेसिटी और स्टेमिना अपने आप में डेवलप कर लीजिए क्लैट आपका निकल गया कंफर्म सो so, चलिए आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर भी कर लीजिए आज के लिए इतना ही थैंक यू